हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो वेलकम अगेन इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाने वाला है। तो एक्चुअली हम ये जो नौकरी का अलॉटमेंट, उसी हिसाब से बात करेंगे। इंडिविजुअल कटअप, फुल एनालिसिस और सारे जो कैटेगरीज का क्या एक्सपेक्टेड कटअप डिफरेंट जोन्स में जा सकता है, तो इसके बारे में आज फुल एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस सीट में मैंने लेवल 6532 इसका टोटल सीट्स मैंने बताया है थ्रू ग्राफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 6 में जो टोटल सीट्स है वो 7124 है ये। और सबसे ज़्यादा सीट आपका लेवल 5 में है, जिसमें गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क वगैरह और ये सब है, अकाउंट्स क्लर्क, यहाँ पे आपका ये वाला है। और बाकी जो लेवल 3 का 4940 एंड 5688, ये दोनों है। अब ये एनालिसिस मैं कुछ दूसरे ढंग से करूँगा। जैसे कि आप सोचिए, जो लोग लेवल 6 में क्वालिफाई किए हैं वो ऑब्वियसली टॉपर्स हैं। ओनली जो लेवल 6 में क्वालिफाई किए हैं ऑब्वियसली वो टॉपर्स हैं। तो जब वो लोग चार चार बार एग्जाम दे रहे हैं, और चार चार एग्जाम में सपोज किसी ने, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, किसी ने सपोज एक में 92 रखा, किसी में 94 रखा, किसी में 96 रखा और किसी में 93 रखा, एक ही बंदा है, बंदा एक ही है, तो ऑब्वियसली वो अगर 92 सपोज लेवल 6 में रखता है तो फिर उसमें अगर क्वालिफाई हो जाता है वो उस नौकरी को ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे ज़्यादातर टॉपर्स लेवल 6 में होंगे। दूसरा चीज, एक चीज हम कंसिडरेशन में लेंगे, जो लगभग 25%, 20 से 25% लोग एबसेंट है, ये चीज भी कंसिडरेशन में लेंगे। कैसे ये इफेक्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज अभी हमने जो सीपीटी 2 हुआ था, 1 से 2 में जब आए तो 20 टाइम्स आपका लोग सिलेक्टेड हुए, बट 20 टाइम्स हुए बट 20 से 25% लोग जो एबसेंट है, दैट मीन्स वो 15 टाइम्स हो गया, यानी कि कंपटीशन 15 टाइम्स में है। अब जैसे टाइपिंग वाला जॉब के लिए आप 8 टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें आधा लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं। सपोज 100 लोगों ने एग्जाम दिया तो 50 लोग आपका सिलेक्ट हो गए, क्योंकि पहले ही 5 लोग कम आए थे। फिर आपने लगभग 8 लिया तो 8 का दुगना कितना होता है, 16। तो 50% लोग लगभग सिलेक्ट हो रहे हैं जैसे टाइपिंग वाला जॉब के लिए। अगर वो टाइपिंग में कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर ऐसा बंदे को भी नौकरी मिल सकता है जो थोड़ा सा रैंकिंग में कम है। दूसरा चीज, इस के वजह से जैसे ये 15 मैंने बताया 25% एबसेंट है, लगभग 20 से 25% एबसेंट है, और उसमें से जब सिलेक्ट होगा, सपोज ये लेवल 6 का हमने कुछ बंदे सिलेक्ट हो गए, वो लेवल 5 के साथ भी तो एग्जाम दिए हैं, अब वहां भी वो क्वालिफाई किए ज्यादातर, तो ज्यादातर जब क्वालिफाई किए हैं तो वो तो ये वाला जॉब उनको मिल गया। तो फिर क्या होगा, जो उसके नीचे वाला रैंक है उनको कुछ अगेन जॉब मिलने लग जाएगा, भले ही वो यहाँ के कटअप से 5 मार्क कम रखे हैं, और सिर्फ लेवल 5 के कटअप में भी वो नीचे हैं, फिर भी उनको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का टॉपर्स इक्वल है। मतलब 6 में जो टॉपर है वो 5 में है, ऑब्वियसली वो हायर प्रोफाइल वाला जॉब लेगा। तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक तरफ मैंने जो टोटल सीट्स है, और दूसरे तरफ जो 25% लगभग डिस्काउंट करने के बाद हर वो लेवल में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। यहाँ पे 1 लाख से थोड़ा ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया, 1,25,000 है। मैंने हालांकि 25% का जो रेशियो डाल दिया था इसलिए थोड़ा कम दिखा रहा है। तो लगभग 1 लाख लोगों ने उसमें एग्जाम में बैठे हैं। तो अब देखिए, जब वोटिंग हुआ है, मतलब जो कितने लोगों ने जो कट ऑफ निकला, ये आपका आंसर की निकला, उसके बाद जो वोटिंग हुआ था कितने लोगों ने कितना करेक्ट किया है, तो उसमें लगभग 5 से 7% लोग, 5 से 7% लोग जो 90+ में है, 90+ परसेंट से मार्क रखने में समर्थ हैं, यानी कि वो 90+ मार्क रख रहे हैं आफ्टर आंसर की। अब बताइए, 90+ मार्क जो रख रहे हैं 5 से 7%, तो वो कौन है?
यहां से अगर 1 लाख में मान के चलू, 1 लाख से 5 to 7%, यानी कि 5000 से 7000 लोग इसमें है जो 90 प्लस मार्क रखे हैं लेवल 6 में, तो वो लोग सपोज मैं मान के चल रहा हूं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट सारे क्वालिफाई कर जाते हैं जो टॉपर्स हैं, तो फिर वो लोग तो इसमें क्वालिफाई कर गए, ये जो सारे के सारे इसमें क्वालिफाई कर गए। अब दूसरा चीज है, जैसे कि 85% 85% प्लस जो लोग है, 85 अराउंड और उसके आसपास लोग लगभग 10% है, लगभग 10% लोग जो 85 प्लस मार्क सिक्योर कर रहे हैं। फिलहाल मैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर 85 प्लस लोग 10% सिक्योर कर रहे हैं, दैट मींस यहां देखिए ये जो टॉपर्स हैं, यहां जो 7000 टॉपर्स हैं, ये 7000 टॉपर तो ये पूरा नौकरी ले गए, ठीक है, ये जो 7000 टॉपर है ये पूरा का पूरा ये नौकरी ले जाएंगे। अब उसके बाद जो लेवल 5 में 26000 प्लस कुछ लोग बैठेंगे, मतलब बैठे हैं, ठीक है, सॉरी 26000 नहीं है, 261000 लोग आपका लेवल 5 के लिए बैठे हैं 17000 वैकेंसी के अगेंस्ट में, तो ये 261000 जो 17000 वैकेंसी के अगेंस्ट में बैठे हैं, ये 20 टाइम्स नहीं है, 20 टाइम्स से मैंने 25% डिस्काउंट कर दिया है, मतलब उतना नहीं आ रहे हैं एग्जाम में बैठने, प्लस ये लोग भी बैठेंगे और ये लोग क्वालिफाई पहले से किए हुए हैं जो ये वाला जॉब है, तो फिर ये इसमें क्वालिफाई करके भी इनको लेवल 5 का नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो लेवल 5 में क्या होगा, कंपटीशन हैवी है, लगभग 3 लाख 61,000 यानी अराउंड 3 लाख 60,000 लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, बट क्या होगा कि इसमें भी काफी हैवी कंपटीशन होगा, और यहाँ जो नॉन रिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे उसमें 90 प्लस वाले सारे एकोमोडेट हो गए हैं, किसमें, लेवल 6 जॉब में, लेवल 5 जॉब में ज्यादा नहीं, ओनली 2-3 मार्क नीचे आएगा, यानी कि मान के चलिए 87 से अराउंड 90 तक आपका लोग ही क्वालिफाई करेंगे, किसमें, नॉन टाइपिंग जॉब में, नॉन टाइपिंग जॉब में 87 से 90% वाले लोग ही क्वालिफाई करेंगे, समटाइम्स किसी एरिया में 92 तक भी लोग जाएंगे, बट कट ऑफ लिस्ट आपका मान के चलिए आपका किसी एरिया में 88 89 90 और किसी थोड़ा सा जो लो जहां पे आपका कंपटीशन है हो सकता है वहां पे 85 तक जाए, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और कौन सा लो वाला जो कंपटीशन है वो एरिया कौन सा है मैं आगे बताऊंगा, तो इस हिसाब से आपका बात बढ़ेगा जब लेवल 5 का होगा। तो इस ग्राफ में मैं वही चीज दिखाया हूं, देखिए आपका लेवल 6 में जो बंदे बैठ रहे हैं वो सारे लेवल 6 का जो आपका पोस्ट है लगभग 7000 प्लस उसके लिए कंपीट कर रहे हैं, बट लेवल 5 में क्या हो रहा है, बंदे तो इतना क्वालिफाई किए हैं अलग से, प्लस लेवल 6 वाले भी इसमें बैठ रहे हैं, तो ये बैठने वाले बढ़ के आपका लगभग इतने हो जा रहे हैं, 3,60,000 हो जा रहे हैं लेवल 5 में बैठने वाला, ये 6 वाला है, अब 3 में बैठने वाला इसमें और कुछ ऐड हो जा रहे हैं, 3 में तो इतना ही लोगों ने क्वालिफाई किए हैं लेवल 3 के लिए, बट ये 5 वाले 6 वाले भी तो बैठ रहे हैं, तो एग्जाम में बैठने वाले लगभग 4 लाख, पोस्ट कितने, ओनली 74,000 क्वालिफाई किए हैं, बट टोटल जो सीट है वो लगभग 5000 के अराउंड है, तो ओनली 5000 के अराउंड सीट के लिए आप देखिए 40000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 4 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वही चीज लेवल 2 के लिए उससे भी ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो कट ऑफ क्या होना है वो मैं आपको आगे बताता हूं।
अब यहाँ पे वही चीज में बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए, ये जो 70 टू 75 लिखा हूं मैं लेवल 6 के लिए, ये आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स है। सपोज आउट ऑफ 100% है, सपोज साइकोमेट्रिक टेस्ट होने के बाद यहां से 30% और यहां से 70% मार्क ऐड हो गया, तो आउट ऑफ 100 अगर ये मार्क को कंसिडरेशन में लिया जाएगा तो यहां पे 70 टू 75 रहेगा। अगर आप सिर्फ ये सीबीटी 2 को आप लेते हैं कंसिडरेशन में, तो फिर 90 से 95 मार्क्स रखे हुए आदमी ही जनरली लेवल 6 में कंपटीशन में फॉल करेंगे, वो इस रेस में फॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ हैवी कंपटीशन है, 1 लाख से ज्यादा लोग और 7124 सीट, यहाँ पे 7124 सीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। देखिए अब लेवल यहां पे जैसे फाइनल आप देखिएगा 88 टू 93 के बीच आसपास आपका लेवल 6 का रहेगा, वही आपका लेवल 5 में किसी किसी जोन में 92 तक भी जा सकता है, जहां कंपटीशन हैवी है वहां 92 तक भी जा सकता है। और लोअर साइड में आप देखिएगा लेवल 5 का एग्जाम में 85 तक आपका आ जाएगा किसी एरिया में, लाइक त्रिवेंद्रम गुवाहाटी हो सकता है, ऐसे कुछ एरिया में 85 तक आएगा। बट मेन जो आपका फाइट जोन रहेगा वो 87 से 90 के बीच रहेगा। आप देखिएगा 87 से 90 के बीच जो मार्क सिक्योर करेंगे, कट ऑफ मतलब कट ऑफ ये रहने वाला है, किसी एरिया में 90 के आसपास रहेगा, किसी में 88 अराउंड रहेगा, और हो सकता है एक दो जोन में थोड़ा 85 तक जाए। वहीं लेवल 3 में भी कंपटीशन हाई रहेगा, ये मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और नॉन टाइपिंग जॉब, नॉन टाइपिंग, ठीक है। और वहीं आपका लेवल 3 में जो होगा वो थोड़ा ये लोग जब कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब इनको नौकरी मिल जाएगा इतने सारे लोगों को, कितना यहाँ 17,000 यहाँ 7,000 इतने सारे लोगों को जब नौकरी मिल जाएगा, अब आप देखेंगे कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे आ सकता है एक दो मार्क, क्योंकि आपका 85 प्लस वाले कितने हैं, अराउंड 15% है, और ऊपर का 5 मतलब 20% लोग आपका कितने मार्क सिक्योर कर रहे हैं, 85 प्लस 20% लोग। अब ये 20% किसका 20%, तो ये टोटल लोगों का 20%, सपोज मैं मान के चल रहा हूं यहां, यहां आपका देखिए 36,000 10% होता है, उससे भी ज्यादा 72 ये 10% लोग हैं 85 प्लस, तो 15 तो अराउंड 50,000 लोग जो हैं आपके 85 के अराउंड आपका करेक्ट किए हैं, तो 85 अराउंड जिसने करेक्ट किया है, पोस्ट कितना कंज्यूम हुआ है अभी 17 और 7, तो इतने सारे लोग अभी कंज्यूम हुए हैं। तो लेवल 3 में भी कंपटीशन उतना ही हैवी रहेगा, आप मान के चलिए आपका 85 अराउंड 85 प्लस 3 88 अराउंड उतना ही रहेगा, हो सकता है किसी जोन में 83 तक आए, 2 मार्क ही कम आ सकता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं आने वाला। और लेवल 2 में भी कंपटीशन उतना ही रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालने वाला। तो ये मान के चलिए कि किसी भी जोन में आप अगर 85 प्लस सिक्योर कर रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो आपका नौकरी का चांस पूरा है। अगर आप 90 प्लस रख रहे हैं तो हो सकता है आपका टॉप प्रेफरेंस जॉब पा जाएंगे, ये मोटा मोटी है। अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज का भी बात करेंगे, उससे पहले कहाँ कहाँ कम जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सारा एरिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका कम जा सकता है। देखिए ये चेन्नई, चेन्नई में आपका थोड़ा कट ऑफ कम जा सकता है, भुवनेश्वर में कम जा सकता है, अहमदाबाद जा सकता है, त्रिवेंद्रम गुवाहाटी बिलासपुर, ये सब एरिया में आपका नॉर्मल कटअप से 2 मार्क 3 मार्क कटअप कम रह सकता है नॉन।
टाइपिंग में, नॉन टाइपिंग में। अब टाइपिंग में कितना रहेगा, टाइपिंग वाला जॉब में जो आपका लेवल 6 का कटअप था लगभग वही रहने वाला है, क्योंकि 8 गुना है ना, तो लगभग तो 50% लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो टाइपिंग वाला जॉब में आपका लगभग लेवल 6 वाला कटअप जाने वाला है। अब मैं बात करता हूं एससी एसटी वगैरह का भी, इस जोन में थोड़ा सा लेवल नीचे रहेगा। ये जो जोन है यहां पे एसटी एससी का भी कट ऑफ लगभग 60 to 65 के जोन में रह सकता है, हो सकता है थोड़ा कहीं भी आपका अराउंड 60 to 65 एसटी और एससी इन लोगों का इसी जोन में रहेगा। और बाकी किसी किसी जोन का हो सकता है नॉन टाइपिंग जॉब में एसटीएससी का 70 तक भी पहुंच जाएगा, और ओबीसी वगैरह का उसी प्रोपोर्शन में। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मान के चलिए जो इलाहाबाद पटना ये सब जोन है, पंजाब जो है, चंडीगढ़ जोन है, ये सब जोन में आपका कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। आपका जो ओबीसी वगैरह का है 2-3 मार्क ही कम रहेगा। सपोज कहीं आपका 89 कट ऑफ गया तो फिर उनका हो सकता है 85 या 83 ऐसे कुछ कट ऑफ आएगा ओबीसी वगैरह का, और एससी एसटी का हो सकता है 75 तक जाए, एससी का तो एसटी का उस केस में 70 तक जाएगा। जो हाईली मतलब डिमांडिंग जोन है या हाईली कॉम्पिटिटिव जोन है तो वहाँ इस तरह से कुछ मार्क्स रहने वाले। सिर्फ ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एससी एसटी हो सकता है 60-65 तक आ जाए, ठीक है। और बाकी रहा एक्स सर्विसमैन का, तो एक्स सर्विसमैन का ज़्यादातर जो एरियाज हैं वहाँ पे आप देखेंगे 48 कटअप भी टच कर गया है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए एक सर्विसमैन का कटअप 55 to 60 फॉल करेगा नॉन टाइपिंग जॉब के लिए, और टाइपिंग जॉब के लिए तो अगेन 48 तक पहुँच जाएगा, नीचे तक पहुँच जाएगा। और बाकी जो नॉन टाइपिंग जॉब के लिए आपका कटअप लगभग 55 to 60, अगर कहीं एक सीट है तो फिर हो सकता है वो कटअप कुछ भी जा सकता है, उसमें आप कुछ बात नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये कुछ एरियाज हैं आपका, ये बेंगलुरु है, देखिए बेंगलुरु का आपका 71 है अनरिजर्व्ड का, एससी का 55 है, एसटी का 51 है। ये आप देखिए ये 8 टाइम्स वाला सारा कहानी है। यहाँ एक सर्विसमैन का देखिए 48 है, तो एक सर्विसमैन का आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, 55 to 60 के बीच में ही रहेगा। और बाकी देखिए और भी मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में आप देखिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड का ही 55 गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फिर भी आपका मान के चलिए 85 तक जाएगा इसमें, किसमें अनरिजर्व्ड का, नॉन टाइपिंग का। और एससी का एसटी का देखिए यहाँ बहुत कम है, तो यहाँ पे 60 तक जा सकता है एससी एसटी, ठीक है। ओबीसी यहाँ 47 है फिर भी, तो ईडब्ल्यूएस 48 है, तो ये भी आपका मान के चलिए कि 80 प्लस तो जाने वाला है, क्योंकि पोस्ट उसी हिसाब से है ना, तो 80 प्लस ये भी जाएगा। जब आपको 15 में से एक बच्चे को लेना है, 15 में से एक बच्चे को लेना है, तो वो हर 15 बच्चे से एक बच्चा लेना है तो वो आपको 80% वाला जरूर मिल जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि एज पर वोटिंग जो 90% वाले बच्चे हैं वो आपका अराउंड 5% है, और 85 प्लस वाले अराउंड 10% है, तो ये 15% बच्चे तो है ही है, ठीक है। तो आराम से आपको उस एरिया में ही मिल जाएंगे। बट एसटीएससी का ये कुछ एरिया है जहाँ एसटीएससी का आपको कटअप थोड़ा सा नीचे जाएगा। और भी आप देखिए यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 74 गया था, तो यहाँ भी आपका कटअप बहुत ऊपर जाने वाला है। अहमदाबाद का थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए एससी एसटी बहुत नीचे नहीं रहने वाला है, एससी भी आपका इसमें 60 प्लस ही जाने वाला है, 70 के अराउंड जाएगा, एसटी भी आपका मान के चलिए 65 के अराउंड रहने वाला है। और मुंबई का भी ऊपर रहेगा, सिकंदराबाद का भी ऊपर रहेगा, क्योंकि एसटीएससी इसमें भी ऊपर है, ये सारे ऊपर रहने वाले हैं। रांची तो बहुत ही ऊपर रहेगा, एक्सेप्ट एसटी थोड़ा सा कंसिडरेबल है, हो सकता है 65 तक कटअप जाए। और ये देखिए भुवनेश्वर में एसटी काफ़ी नीचे है,
भुवनेश्वर में एसटी काफी नीचे है, यहाँ थोड़ा सा आपका हो सकता है मार्जिनल, बट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अच्छे भी किए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे लोग इतना ये होंगे। तो और अगर आप देखेंगे भोपाल वगैरह 72 है, ये सब बिलासपुर मैंने जैसे बता रहा था, यहाँ एसटी देखिए 45 है। तो ये सब कुछ एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा आपका कम रह सकता है। बाकी तो इसीलिए जो लोग टाइपिंग में अभी आपके पास चांस है, हो सकता है कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई हो सकता है वो कोई ऐसा बंदा हो जो 83 रखा हो और डिस्क्वालीफाई हो जाए टाइपिंग में, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 81 रखे होंगे, 79 रखे होंगे, वो कंपटीशन में आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर 20-30-40 हज़ार बच्चे टाइपिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आपका ऊपर जाए, मतलब जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा। तो हो सकता है नॉन मतलब टाइपिंग जॉब में कट ऑफ थोड़ा नीचे आके 80+ हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं बहुत सारे टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग का किस ढंग से टेस्टिंग होना है, कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ मायने रखता है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोगों ने कितना कुछ किया है, कितना अटेम्प्ट किया है, तो ज़रूर आप मैसेज में लिखिएगा। सो टिल देन कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून। सो थैंक यू।